तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, सदन में महादेव ऐप मामले में उठी बात। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे वित्त मंत्री, सदन पटल पर रखेंगी पूरी रिपोर्ट। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे वित्त मंत्री, सदन पटल पर रखेंगी पूरी रिपोर्ट। सदन पटल पर रखेंगी पूरी रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन, सदन में महादेव ऐप मामले में उठी बात। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे वित्त मंत्री। सर्वेक्षण पेश करेंगे वित्त मंत्री, सदन पटल पर रखेंगे पूरी रिपोर्ट। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी मनोज, इस पूरे मामले में जिस तरह से बजट सत्र के चौथे दिन महादेव सट्टा ऐप का मामला सामने आया है, आज पूरी रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? प्रियंका, आपको बता दें, आज सदन में महादेव ऐप का सट्टा का बहुत ही तेजी से ये मामला काफी दिनों से उठ रहा है, जिसे लेकर आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसकी जांच भी हम गंभीरता से कराने का आश्वासन आज सदन में गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, ये महादेव सट्टा ऐप के बारे में उन्होंने एक बात और कहा कि इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, जो वो लोग अपने तरीके से जांच करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार अब अपने तरीके से अलग से जांच करने की बात गृह मंत्री ने आज सदन में उठाई है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जानकारी है कि अब तक 28 शिकायतें मिली हैं, तो उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि आज सदन में गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बात स्पष्ट की कि अब तक इस मामले में 400 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से केंद्रीय और साथ ही साथ राज्य की दोनों ही एजेंसियां इस पर काम करेंगी और जांच को आगे बढ़ाएंगी, राज्य की तरफ से कार्रवाई की कब से शुरुआत हो जाएगी? जिस तरह से गृह मंत्री ने आज पटल पर रिपोर्ट रखने की बात की है, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, गृह मंत्री ने आज सदन में यह बात भी स्पष्ट किया है कि 90 लोग के अलावा 400 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और जांच एजेंसियों के साथ साथ विधानसभा सदन के लोग भी इसमें कमेटी बनाकर जांच की बात गृह मंत्री ने आज सदन में बोला है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जांच आगे बढ़ाने की बात की गई, यानी कि आने वाले दिनों में माना जा सकता है कि जांच के साथ ही साथ इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, मामला विधानसभा में काफी जोर शोर से उठ रहा है और ये मामला काफी दिनों से, आपको एक बात इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब से ये महादेव सट्टा ऐप का मामला जो है काफी यहाँ पे गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसको लेकर आज सदन में भी गहमागहमी के बीच में यह मामला उठा है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, राज्य स्तरीय जांच की भी बात की जा रही है, विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष का क्या रूप देखने को मिला? जी, विपक्ष भी चाहता है कि इस मामले में जांच हो और जो भी हो सामने निकल कर आए, जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिले और इसमें जो लिप्त हैं, जिनके हाथ हैं और पीछे से इसके जिसको सपोर्ट मिल रहा है, वो विपक्ष भी ये चाहता है कि महादेव ऐप का मामला सामने निकल कर आए। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य स्तरीय जांच की भी बात की है। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। आज होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, शाम 6 बजे होगी बैठक। आज होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, शाम 6 बजे होगी बैठक। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बैठक। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बीजेपी की बैठक। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बैठक में रहेंगे मौजूद। तो आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होनी है। लोकसभा चुनावों को लेकर अलग अलग राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। चुनाव समिति को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बैठक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनाव समिति की आज बैठक होनी है, क्या कुछ खास होगा, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी एक्टिव मूड में
दिख रही है और लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। साथ ही साथ कल से यहाँ पे बीजेपी प्रदेश प्रभारी नवीन नितिन जी भी आ चुके हैं और बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है इस मामले को, चुनाव को देखते हुए, और लगातार बैठकों का दौरों का दौर लगातार ही जारी है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हम छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे, ऐसा भी यहाँ से आ रहा है। सबकी रणनीति बन चुकी है कि छत्तीसगढ़ से लोकसभा की 11 सीटें हम निकालेंगी। जी बिल्कुल, तो 11 की 11 सीटों को लेकर बीजेपी की रणनीति तेज है, 9 सीटें बीजेपी के कब्जे में पहले से है, 2 सीटों को लेकर क्या कुछ विशेष रणनीति अपनाई जा सकती है? जी देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि महतारी बंधन योजना की शुरुआत हो गई है, जिससे महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। साथ ही साथ मोदी की गारंटी को बहुत जोर शोर से जिससे निश्चित रूप से बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ राम मंदिर में श्रद्धालुओं को भेजने के लिए यहाँ से ट्रेनें रवाना हुई, कल भी हुई है यहाँ से, और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि रामलला के दर्शन के लिए बीजेपी हर हफ्ते छत्तीसगढ़ से ट्रेनें रवाना करेगी, जिसका स्वाभाविक सी बात है असर लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, 3200 पे किसानों की धान खरीदी को लेकर लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा था, अब क्या कुछ स्थिति है, क्या किसान इसकी घोषणा के बाद खुश नजर आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है लगातार? जी जी बिल्कुल, किसानों को 3100 रुपए धान की बात मोदी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत यहाँ पे किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार किसानों की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनको 3100 रुपए धान खरीदी की जो भी मूल्य तय किए गए थे उनको वितरित करने के लिए पूरा अपने तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं कि कोई किसान उनसे असंतुष्ट न हो। और साथ ही साथ सब मिला के ये कहा जा सकता है कि मोदी की गारंटी को लेकर बहुत जोर शोर से बीजेपी जो है अपना यहाँ पे दावा पेश कर रही है कि मोदी जो भी मोदी की गारंटी है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, साय सरकार की यदि बात करें तो 3 दिसंबर से कार्यकाल की शुरुआत हुई है और कुछ ही महीनों के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्या लगता है आपको इस पूरे समय के बीच में कोशिश की जाएगी कि लोकसभा से पहले सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसे ऊपर चढ़ाया जा सके? जी जी बिल्कुल प्रियंका, आपको ये बताते हैं कि महतारी बंधन योजना काफी एक बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद योजना साबित होगी लोकसभा चुनाव, जिसे यहाँ पे देखा जा रहा है लाखों महिलाओं ने अब तक महतारी बंधन योजना का फॉर्म सबमिट कर दिया गया वो कर चुकी हैं, जिससे उनको निश्चित रूप से बीजेपी को इसका लाभ छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस मौके पर रहेंगे मौजूद, हमारे साथ संवाददाता बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि तमाम योजनाओं को लेकर और साथ ही साथ चुनाव समिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज शाम 6 बजे बैठक होनी तय है। बात करेंगे अगली खबर की, खबर महासमुंद से है जहां छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने वनोपज के एमडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने लघु वनोपज कर्मचारियों को वित्त विभाग से मंजूरी देते हुए संविदा कर्मचारी के मुताबिक वेतन प्रदान करने की स्वीकृति आदेश लघु वनोपज विभाग को दिया था। जिले के विभाग ने मनमानी करते हुए कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। हम लोग पिछले जो हमारे कांग्रेस शासन काल में हम प्रबंधकों के लिए तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देने के लिए उनके जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया था प्रबंधकों को, और उसी के तहत हम लोग को जो राज्य पिछला जो अपना कांग्रेस शासन काल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 7, 8, 9 लेवल का हमको संविदा वेतन मान देने का और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का कर्मचारी बनाने का वादा किया था, और उसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और घोषणा के बाद में पूरा लागू हो गया था। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की, खबर रायपुर से है जहां हाई टेंशन टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। कोरबा नशे में
धूत युवक ने हाई टेंशन टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा मचाया। 84 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर युवक ड्रामा करता हुआ नजर आया, जिसके चलते घंटों बिजली सप्लाई बंद रही। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी ने बिजली बंद कराकर युवक की जान बचाई। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद के बाद युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया था। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां प्रभारी तहसीलदार यमुनागंज विष्णु गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि धान खरीदी के दौरान दूसरे रकबा में धान बेचने के संबंध में शिकायत दर्ज हुई थी। जांच के दौरान मामले में संलिप्त पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। तो कमिश्नर ने की कार्रवाई, प्रभारी तहसीलदार निलंबित। इस पूरे मामले में जानकारी मिली है कि अनियमितताएं धान खरीदी को लेकर पाई गई हैं। धान खरीदी में 3.63 करोड़ की गड़बड़ी के चलते प्रभारी तहसीलदार को इस पूरे मामले में निलंबित किया गया है। 3 समितियों में किसानों का रकबा बढ़ाने को लेकर शिकायतें मिली थी। कांग्रेस की न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ में दाखिल होगी। उड़ीसा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को झंडा सौंपेंगे। इसके बाद राहुल गांधी के साथ हजारों की संख्या में मौजूद न्याय यात्रा राज्य में दाखिल होंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही यात्रा आने वाले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहने वाली है। प्रदेश में इस यात्रा की विदाई 14 फरवरी को बलरामपुर रामानुजगंज जिले से होगी। करीब 3 बजे यात्रा रामगढ़ में एंट्री करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कार्यक्रम तय है, 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं राहुल गांधी, न्याय यात्रा होगी, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या खबर है? जी आपको बता दें कि न्याय यात्रा यहाँ पे रायगढ़ में 3 बजे करेगी, जो छत्तीसगढ़ का उड़ीसा का बॉर्डर है, और वहाँ से वो उनको पीसीसी चीफ दीपक बैज को झंडा सौंपेंगे। और साथ ही साथ इस चर्चा के बाद राहुल गांधी के साथ हजारों की संख्या में देखने को लोग मिलेंगे। और अगुवाई चल रही है जो यात्रा, प्रदेश में यात्रा की विदाई 14 फरवरी को होनी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जानकारी निकल कर सामने आई कि राहुल गांधी यात्रा को लेकर जो जानकारी सामने निकल कर आई है, यह यात्रा सुबह 10 बजे से उड़ीसा से चली है, जो शाम 3 बजे तक यहाँ पे रायगढ़ में पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दूं कि राहुल गांधी फिर इस यात्रा के बाद ये यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, कितनी तैयारियां हैं? काफी उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टीकर कैंपेन भी शुरू किया गया था राहुल गांधी की यात्रा को भरपूर बनाने के लिए। जी जी मनोज, इसके अलावा यदि बात की जाए राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, तो कौन कौन से जिले या शहरों से होकर गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा सीटों को भी साधने का प्रयास यात्रा के जरिए किया जा सकता है। जी प्रियंका, निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी की यात्रा ज्यादा से ज्यादा जिलों में हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर को, छत्तीसगढ़ को सत्ता दिलाती है, कि बस्तर क्षेत्र में राहुल गांधी की यात्रा को ज्यादा महत्व देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो जिस तरह से नतीजा पलटा है, छत्तीसगढ़ की जनता की यदि बात करें तो कांग्रेस कभी गढ़ हुआ करता था, भूपेश पर भरोसा हुआ करता था, लेकिन इस समय क्या ताजा स्थिति देखने को मिल रही है? जी अभी आदिवासी बस्तर बाहुल क्षेत्र में आदिवासी ज्यादा है और वो नक्सल बेल्ट भी है। और आपको ये बता दें कि बस्तर की जनता जो उनका इसलिए एक तो मोदी की गारंटी। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लाइव पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। अभी कुछ महीने पहले
G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है, जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है, मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभु प्रसाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे
चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उन माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं अपने कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं एक बार मेरे मन को काफी विचार चले, मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था प्रभु। तो आप दिल्ली से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री प्रभुपाद की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे थे। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।